पता है आपको, ये मक्खन जैसे नरम लड्डू बनाने के लिए मैंने ना दूध मावा, ना चाशनी, ना क्रीम, ना मलाई और ना पानी, कुछ भी नहीं लिया। और इस सीक्रेट वाली नई ट्रिक से 5 मिनट में मैंने किए हैं ये थाली भर रवा लड्डू तैयार। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट और नरम रवा लड्डू की ऐसी नई रेसिपी कि जिसको देखने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे, अभी की अभी बनाएंगे, क्योंकि हम थाली भर मक्खन जैसे रुई जैसे नरम रवा लड्डू तैयार करेंगे, वो भी 5 मिनट में सिर्फ 3 सामग्री से। और बस एक बार बना लीजिए, 2 महीने एंजॉय कीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझेंगे वो परफेक्ट मेजरमेंट, जिससे गलती का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। यहाँ पर मैंने ली है 2 कटोरी सूजी, फाइन वाली सूजी होती है ना, जो बारीक वाली सूजी जिसे चिरौटी रवा बोलते हैं, ये मैंने वो लिया है। फाइन सूजी से जो लड्डू हैं ऐसे मक्खन जैसे नरम, पता ही नहीं चलेगा कि वो रवा लड्डू हैं। अगर आपके पास वो मोटी वाली सूजी हो तो भी कोई टेंशन नहीं, आप उसे मिक्सी में डालकर फाइन कर लीजिएगा, तो वो ना एकदम बारीक सी हो जाएगी तो भी बढ़िया बन जाएंगे। तो 2 कटोरी के लिए क्या करें, घर की कोई इस तरह की स्टील की कटोरी ले लीजिए, पूरा मेजरमेंट आप उसी से कीजिए, आपको कोई माप की ग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परफेक्ट बन जाएंगे पहली बार में। तो ये हो गई इस कटोरी से 2 कप सूजी फाइन वाली। उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें लेनी है चीनी, और जिस कटोरी से आपने चीनी ली है उसी कटोरी का आधा हमें लेना है घी। तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रवा लड्डू वगैरह मिठाइयां घी में बहुत स्वादिष्ट बनती हैं, चाहे तो वनस्पति घी ले लीजिएगा, वजन से 150 ग्राम के करीब घी है। तो झटपट से चढ़ाएंगे गैस पर एक कढ़ाई या पैन, और इसमें हम डालेंगे पहले 2 से 3 बड़ा चम्मच देसी घी, जो भी आधा कटोरी लिया ना उसमें से 3 चम्मच घी मैं अभी ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर घी को बढ़िया से पिघलने देंगे। अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, घी पिघल चुका है, तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे सूजी। पूरा 2 कटोरी रवा यहीं डाल देंगे और लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर धीमे धीमे हमें इसे सेकना है, ऐसा कि कच्चापन निकल जाए और कलर ना चेंज हो, सफेद सफेद रखेंगे, बिल्कुल लगेगा जैसे मलाई लड्डू खा रहे हैं। तो धीमे धीमे बिल्कुल चलाते हुए, छोड़ के मत जाइएगा वरना कहीं से ज्यादा सूजी सिक जाएगी कहीं से कम। इससे पहले भी मैंने आपके साथ 2-3 तरह से रवा लड्डू की रेसिपी शेयर की हुई है, सभी वीडियोस का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिंट कर दिया है, तो जो तरीका आपको बढ़िया लगे वैसे बना लीजिए। तो ये वाले रवा लड्डू तो कोई भी बना सकता है, जो टेस्टी भी है और आसान तो इतने के मतलब देखते ही बनाने का मन करेगा आपका। मैं सारी चीजें इसलिए ठीक से बताई हैं जैसे जब आप बनाए ना तो कोई भी चीज आपकी सामग्री खराब ना हो, आप बढ़िया से बना लें। तो जब तक ये सिक रही है बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। इसी बीच जो हमने ये 1 कटोरी चीनी ली है ना, ये वाली, साथ में डालिए 2 इलायची साबुती डाल दीजिए, इसको आप एक ग्राइंडिंग जार में डालिए और बस इसको बढ़िया से फाइन पाउडर कर लीजिए मिक्सी में। ये देखिए इस तरह एकदम बढ़िया ताजा हमारा फ्रेश चीनी का पाउडर तैयार हो गया। चाहे तो देसी खांड भी यूज कर सकते हैं या मिश्री को पीसकर मिश्री का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। तो इसको रखते हैं अभी अलग, सूजी को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सूजी हल्की हल्की सी सिकनी शुरू हो गई है, तो जो घी हमने लिया था ना कटोरी में, वापस से इसमें 2 चम्मच घी और डालेंगे और इसको धीमी आंच में फिर से सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक साथ डालते ना तो घी ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेती सूजी और फिर बाद में हमें और घी लगाना पड़ जाता। थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे तो घी कम भी लगेगा और बढ़िया से जो रवा है वो सिक भी जाएगा। और लड्डू एक ऐसी चीज है, एक तो इससे मन नहीं भरता है, सस्ते में बढ़िया से घर में आसानी से आप खूब सारे पहले से बना के रख लीजिए, फिर ये 1-1.5 महीने भी खराब नहीं होंगे। तो मतलब त्योहार के लिए अभी बनाइए, आराम से स्टोर करके रख लीजिए, पूरे त्योहार आपका काम चल जाएगा। और सबसे खास बात, सारा सामान वो है जो आपके घर में हमेशा रहता है, कुछ भी स्पेशल बाजार से आपको लाना ही नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें कर ली है, मुझे पता है क्योंकि सूजी भुन रही है तो मैंने आपसे बात भी कर ली। और यहाँ देखिए सूजी में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, खुशबू तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन कलर मैंने चेंज नहीं होने दिया है। देखिए सफेद सफेद सी है ना, परफेक्ट सूजी फूली फूली दिख रही होगी, कच्चापन पूरा निकल गया है, बढ़िया सा अरोमा आ रहा है, मतलब खुशबू आपको पता चलेगी, ये देखिए। तो बस इसी स्टेज पर जब हमारी गैस बिल्कुल लो है, यहाँ पर हम डालेंगे वो चीनी और इलायची वाला पाउडर, सारा यहीं डाल देंगे और धीमी आंच में बढ़िया से बस सिर्फ 30-40 सेकंड मिक्स करना है कि बढ़िया मिक्स हो जाए। ये देखिए, कोई चाशनी नहीं बनानी यहाँ हमें, कोई दूध क्रीम मलाई मावा कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेंगे, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि इतने बढ़िया रवा लड्डू ऐसे ही बन गए 3 चीजों से। और ये देखिए चीनी का पाउडर बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है।
और अपने रवा लड्डू के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। सूखा वाला नारियल का बुरादा होता है ना, जैसे डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, तो ये 5 बड़े चम्मच के करीब मैंने वो लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं आप लाइक करें तो मत डालिए, तो भी ये लड्डू आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब आप गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर से बता रही हूँ, गैस बंद कर दीजिए और इस पर लगाइए लिड, और लिड लगाकर लगभग 7-8 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इस त्योहार को एंजॉय करने के लिए आप मेरी सभी तरह की फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज, प्यारी प्यारी जबरदस्त टेस्टी मिठाई की दुकान जैसी स्वीट रेसिपीज को जरूर से देखिए। मेरे YouTube चैनल कुकविथ पारुल पर सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, मजा आ जाएगा। घर में बनाइए, बजट में बनाइए बेहतरीन से बेहतरीन फेस्टिवल रेसिपीज। और बस 6-7 मिनट बाद लिड को हटाएंगे और ये देखिए सूजी का दाना दाना एकदम फूला फूला नरम हो गया है, रसीला सा लग रहा है। जो चीनी का पाउडर डाला बढ़िया से मिक्स हो गया है एकदम अच्छे से सूजी में। तो बस लास्ट में जो हमारा घी बचा था ना 1.5 चम्मच के करीब, तो इसी स्टेज पर वो बचा हुआ घी भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स, क्योंकि जो कच्चे घी का फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है मिठाइयों में। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाला, क्योंकि ये ना सफेद सफेद गोल गोल बड़े सुंदर दिखते हैं ऐसे ही। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स कोई भी, मन चाहे काजू पिस्ता बादाम वगैरह हल्के से काट करके फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं। इस प्रोसेस में मालूम है क्या फायदा है, एक तो जल्दी तो बनता ही है, जो सूजी का दाना दाना है वो फूलो फूलो नरम हो जाता है। तो वो जो कभी कभी शिकायत होती है कि दांत में लग रही है कड़कड़ सी आ रही है आवाज सूजी में, वो कोई शिकायत आपको इस तरीके से बने लड्डू में बिल्कुल नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे जब लड्डू बांध रहे हैं तो ये थोड़े बिखरे हो रहे हैं, तो आपको अभी यहाँ पे कोई दूध घी पानी कुछ मत लीजिए। एक लगाएंगे ट्रिक, आप वापस से लीजिए वही वाला ग्राइंडिंग जार और थोड़ा थोड़ा बैचेस में सूजी को जो हमने मिक्स तैयार किया डालिए और सिर्फ 1 मिनट चला लीजिए, और वो भी तब जब ये मिक्स हल्का सा ठंडा हो जाए, एकदम गर्म में नहीं। और ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर हो गया हमारे रवा लड्डू का, और ये देखिए कितने इजीली बन रहे हैं। बस ये थी वो खास ट्रिक, इजीली बन जाएंगे इस प्रोसेस से, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मिनटों में आपके रवा लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो बस सारा मिक्स मिक्सी से निकाल लेंगे और जो बचा हुआ है उसको भी इसी तरह पीस लेंगे। ये देखिए, तो चलिए फटाफट से लड्डू बांध लेते हैं। हाथ को हल्का सा चिकना कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के जिस साइज के भी आपको लड्डू बनाने हैं वैसे आप तैयार कर लें। ये देखिए इस तरह लेंगे और बस बांधते जाएंगे। लीजिए बन गए ना आपके लड्डू बगैर कुछ भी डाले हुए। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर, देखिए तो बनिए ना एकदम परफेक्ट। और टेक्सचर देखिए, कोई देख के नहीं बता पाएगा कि ये रवा लड्डू है। ऊपर से चाहे तो इस तरह से किशमिश लगा करके आप लड्डू बांध सकते हैं, तो इस तरह भी इनको सजाया जा सकता है। Perfect. तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट मक्खन जैसे इंस्टेंट रवा लड्डू। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, लग रहा है ना जैसे मलाई लड्डू है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर, देखिए बने हैं ना एकदम परफेक्ट। ये सूजी के लड्डू बनाना बिल्कुल बनता है, यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद भी आएंगे, और जो ये तरीके से जब आप इसे बनाएंगे तो आपको दिल खुश हो जाएगा कि काम भी जल्दी हो गया, मेहनत भी नहीं लगी और इतने सारे थाली भर लड्डू तैयार हो गए।